स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन एक्टर जावेद जाफरी, जिनका पूरा नाम सईद जावेद अहमद जाफरी है, इनके फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी एक्टिंग की टॉप मूवीज रही हैं मेरी जंग, जो कि सुपर हिट मूवी साबित हुई, और 100 डेज इनकी हिट मूवी साबित हुई। इनकी सबसे पहली मूवी आई थी 1985 में मेरी जंग। इसमें अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, बीना बनर्जी, जावेद जाफरी, अमरीश पुरी देखने को मिले। इस मूवी को विवर्स बॉक्स ऑफिस सुपर हिट करार दिया गया। अगली 1987 में आई थी 7 साल बाद, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली 1988 में आई थी सूरमा भोपाली, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। इनकी अगली मूवी इसी साल में आई थी वह फिर आएगी, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1989 में, जिसका नाम था लश्कर, इस मूवी को हिट करार दिया गया। इनकी अगली मूवी आई थी जावेद जाफरी जी की 1990 में जवानी जिंदाबाद, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। जावेद जाफरी जी की अगली मूवी 1991 में आई थी लाल परी, ये डिजास्टर साबित हुई। इनकी अगली मूवी आई थी 1991 में 100 डेज, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी शिवराम, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। इनकी अगली मूवी आई थी 1992 में जीना मरना तेरे संग, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1992 में आई थी तहलका, इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली 1992 में आई थी कर्म योद्धा, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1993 में जख्मी रू, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। इनकी अगली मूवी आई थी 1994 में तीसरा कौन, ये मूवी एवरेज साबित हुई। जावेद जाफरी जी की अगली मूवी 1995 में आई थी ओ डार्लिंग यह है इंडिया, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी रॉक डांसर, इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी सन 2000 में आई थी, जिसका नाम था गैंग, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 2003 में आई थी जंतरम मंतरम, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। इनकी अगली मूवी 2003 में आई थी, जिसका नाम था बूम, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2004 में आई थी, जिसका नाम था शोला, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। 2007 में इनकी मूवी आई थी तारा रमपम, ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी, इसका नाम था धमाल, इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी विक्टोरिया नंबर 203, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2008 में आई थी, इसका नाम था सूर्या, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। इनकी अगली मूवी आई थी जावेद जाफरी जी की इसी साल में सिंह इज किंग, ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी 2008 में आई थी रोड साइड रोमियो, इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। जावेद जाफरी जी की अगली मूवी आई थी वीवर्स 2009 में ढूंढते रह जाओगे, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली 2009 में आई थी तस्वीर, ये मूवी डिजास्टर रही। अगली 2009 में आई थी कमबख्त इश्क, इसको एवरेज करार दिया गया। अगली में इसी साल में आई थी पेइंग गेस्ट, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। जावेद जाफरी जी की व्यूअर्स अगली मूवी आई थी 2009 में द फॉरेस्ट, इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। जावेद जाफरी की अगली मूवी इसी साल में आई थी डैडी कूल, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। जावेद जाफरी की अगली मूवी 2010 में आई थी हेलो डार्लिंग, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। इनकी अगली मूवी 2011 में आई थी लूट, इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी डबल धमाल, ये मूवी एवरेज साबित हुई। जावेद जाफरी की अगली मूवी 2012 में आई थी एजेंट विनोद, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2013 में आई थी बेशरम, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 2013 में आई थी वार छोड़ना यार, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2014 में आई थी मिस्टर जो भी करवा लो, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली 2014 में आई थी बैंग बैंग, इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली 2016 में आई थी इश्क फॉर एवर, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 2018 में आई थी, इसका नाम था लुप्त, इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2019 में आई थी टोटल धमाल, ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2019 में दे दे प्यार दे, इस मूवी को हिट करार दिया गया। इनकी अगली मूवी 2019 में आई थी जबरिया जोड़ी, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी, इसका नाम था बाला। बात करें मूवी की तो मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली 2021 में आई थी कुली नंबर 1, इस मूवी को विवर्स बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। इनकी अगली मूवी 2021 में आई थी भूत पुलिस, विवर्स इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी
डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी, इसका नाम था सूर्यवंशी। इस मूवी को इस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। इनकी अगली मूवी 2021 में आई जिसका नाम था जादूगर। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, इसलिए इसका वर्डिक्ट डाटा नहीं मिल पाया और यही इनकी आखिरी मूवी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो इस वर्ष ये फेमस इंडियन एक्टर जावेद जाफरी की एक्टिंग बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग बनने वाली मूवीज में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की